Assalamu alaikum dear students. today our topic is indian schoolism in the previous lecture we discussed it about the schoolism its introduction meaning strategy of a schooler country now today we are going to discuss indian schoolism uh, as we know uh, schoolism means separation of the religion from the state okay, i guess religion go स्टेट के साथ अलग रखना यहाँ उसको हम सकुलजम कहते हैं दैट ऑल द रिलीजनज आर ट्रीटेड इक्वली बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट इन्वॉलमेंट नहीं रहता है जो भी प्रैक्टिस रिलीजियस प्रैक्टिस होंगे या रिलीजियस मैटर्स होंगे इसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉलमेंट नहीं रहता है गवर्नमेंट एक्ट एज न्यूट्रल वो न्यूट्रल रहती है वहाँ पे यहाँ पे बात आती है स्ट्रेज ऑफ इंटरवेंशन कि गवर्नमेंट कब मुदाखलत करे कब गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो बनता है इंटरवेंट करने में जब उन्हें लगे कि कहीं कहीं पर गलत हो रहा है इन द नेम ऑफ रिलीजन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कैन आई डू एनीथिंग इन द नेम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर क्या मैं मजहब के नाम पे कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करी दैट इज़ नॉट पॉसिबल गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवेन गवर्मेंट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ पे इंटरवैन करे और इंश्योर करे कि दैट द राइट्स आर ह्यूमन बींग आर नॉट वायलेटेड यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मैंने दी है कि अगर हम मजहब के नाम पर किसी आदमी को किसी ह्यूमन uh, बींग को सेक्रीफाइस करे कुर्बान करें तो वहां पर जो गवर्नमेंट है, है कि वो उसको रोके इसी तरह से हम उसको रिलेट कर सकते हैं प्रैक्टिस ऑफ अनटचिलिटी यहां पे मैंने लिखा है प्रैक्टिस ऑफ अनटचिलिटी अनटचिलिटी क्या थी कि जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको सोसाइटी में जो है अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था उनको मंदिरों में जाने नहीं देते थे उनको घरों में जाने नहीं देते थे जैसे वो दलित्स हैं बाकी हैं जो लोअर कास्ट के नीच लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको घरों में जाने नहीं उनके जो है उनको घर से दूर रखते थे जो भी ब्राह्मणस थे या कुछ अपर कास्ट के लोग थे उनको मंदिरों में जाने नहीं देते थे तो ये क्या था उसको हम कहते थे प्रैक्टिस ऑफ अंडबिलिटी दूसरी जो है एग्जाम्पल लोगों प्रैक्टिस ऑफ अंडबिलिटी जैसे कि को सर पर चढ़ाता में न बेमवर तास सन देवा पात बरखन न के तुम सो 310 बिचारे का कथा करा के तो इतना ये जो है ये नहीं होना चाहिए ये अनटचेबिलिटी दैट शुड नॉट बी एग्जिस्ट इन द सोसाइटी अगर हम आज की बात करें ये एग्जिस्ट नहीं होता है In order to prevent this religion based exclusion and discrimination of lower caste the Indian Constitution bans untouchability so, तो यहाँ पे जब इंडिया को लगा कि नहीं जो lower caste के लोग हैं उनके साथ एक बुरा स्लोग हो रहा है discrimination हो रही है exclusion हो रहा है discrimination हो रही हैं है, तो the government plays its role The government ने क्या किया यहाँ पे उन्हें constitution में इसको एड किया है कि जो भी अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस करे तो उसको ये जो है ऑफेंस माना जाएगा उसको फिर पुनिश किया जाएगा इट इज़ फॉर तो यहाँ पे आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड और जो वहाँ पे फ्रॉम फोर्टीन टू तो एटीन आर्टिकल उसमें राइट टू तो इक्वलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है तो वहाँ पे आर्टिकल सेवेंटीन में ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो अगर हम अन प्रैक्टिस करें तो उसको पुनसिबल माना जाएगा वो जो भी बंदा इसमें पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी तो so, ये बात थी प्रैक्टिस ऑफ अनटिलिटी के बारे में हम कह रहे थे कि ये हम नहीं कर सकते वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंट करती हैं जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरवेंट करके फिर उसको आर्टिकल कॉन्स्ट्यूशन में ये मेंशन किया और ए, इस पर पे पेन लगाए तो यहाँ पे क्या है इन दिस वे स्टेट एडाप्टज द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अपनाई स्ट्रैटजी ऑफ इंटरवेंशन यहाँ पे हम उसको कह सकते हैं नेगेटिव इंटरवेंशन पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव इंटरवेंशन की इंटरवेंशन क्यों की क्योंकि, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक लोअर कास्ट के लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा था इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था दिस इंटरवेंशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट अब दूसरी बात आई ये भी हम बात कर रहे हैं इंटरवेंशन के बारे में इंटरवेंशन हम दूसरी फॉर्म में भी आ सकते जैसे कि इन द फॉर्म आफ सपोर्ट गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को अगर लगे जैसे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं मुस्लिम्स हैं सिख्स हैं यहाँ पर कहीं पे अगर गवर्नमेंट को लगे कि उनको पैसों की जरूरत है जैसे वो गवर्नमेंट आम देखा गवर्नमेंट है फिर ग्रांट देती हैं उनको प्रमोशन के लिए वो ग्रांट्स फंड्स देती हैं जो जहाँ भी कोई स्कूल होंगे जैसे मद्रास मदरसाज हैं या कोई कॉलेज स्कूल हैं तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इंट्रवेंट करती हैं फिर वो ग्रांट्स देती हैं मैं आपको एग्जाम्पल दूँगा गवर्नमेंट जो है वहां पे जो इमाम होते हैं माजद के उनको एक फिक्सड सैलरी दी जाती है तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने इंटरवेंट करके ये इंश्योर किया है कि वहां पे जो है उनको सपोर्ट मिले ताकि वो अच्छी तरह से आगे बढ़े यहाँ पे बात हुई इं, इंटरवेंशन की तो मैंने आपको कल उस प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बोला था कि गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेटज ऑफ नॉन इंटरफियरेंस का जो स्ट्रेट होती है वो अडाप्ट करती हैं लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट है इंटरव्यन कर सकती हैं निगेटिव इंटरव्यून है, पॉजिटिव इंटरव्यून यहाँ पर पॉजिटिव इंटरव्यन करके उन्होंने गवर्नमेंट जो है वो फिर ग्रांट्स देती हैं बाकी चीज़ इंश्योर करती है कि जो है माइनार्टीज़ के जो माइनार जो लोग हैं वो सफ़र ना करें तो ये हम बात कर रहे थे इंटरवेंशन की यहाँ पे हमने आप बुक्स में भी आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे ये इंडियन सेक्यूरिज्म यहाँ पे हम देख सकते हैं देख मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बोला यूनिटी इन डाइवर्सिटी यहाँ पे मस्जिद है मंदिर है गुरुद्वारा है यहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं इसी तरह से हम आपको मैं एग्जांपल दूंगा दूसरे एग्जांपल दूंगा यहाँ पे इंडियन सकुलज़म के बारे में यहाँ पे हम हेलमेट यहाँ पे ज़रूरी लगाना जब हम बाइक चलाते हैं तो हेलमेट हेलमेट लगाना ज़रूरी होता है लेकिन जो सिक्स जो है उनको एग्जाम्पन किया गया है क्यों जो उनका होता है ये तुरबान होता है ये इनके रिलीजन में एक इम्पॉर्टेंट माना ज़रूरी माना जाता है वियरिंग ऑफ कुरबान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिलीजन तो यहाँ पर क्या है उनको पुलिस फाइन नहीं करेगी बिकॉज दे आर एग्जाम

रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक क्लोज हुआ सिक्यूलिज्म के रिलेटेड आप इन शेक्सट लेक्चर में कोई और टॉपिक चूज करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे